नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू जीके ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित राय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं इस वीडियो के माध्यम से आज अपने एचआरडी मिनिस्ट्री से ये रिक्वेस्ट करने आया हूं कि कृपया कर हम छात्रों की आवाज़ को सुने, उसे नज़रअंदाज न करें। हालांकि मैंने आज ट्विटर पर देखा कि काफ़ी सारे ट्वीट्स डिलीट किए जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और प्लीज़ आप सभी छात्रों से निवेदन है कि अगर ऐसा आपका ट्वीट डिलीट होता है तो आप चुप न बैठें, खामोश न बैठें, आप उसके खिलाफ एक्शन लें और ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करें ताकि और सुब्रमण्यम स्वामी जी का समर्थन करें। इससे होगा यूँ कि उनकी बातें सुनी जाएंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम ये निवेदन करेंगे कि कृपया कर हम 15 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं का निवेदन स्वीकार करें ताकि हम सब कोरोना से बचें। अन्यथा अभी परसों एक न्यूज़ आई कि साउथ में 5,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं एग्ज़ाम देने गए और उन लोगों में से लगभग 10,000 छात्र गए जिनमें से 5,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव निकले और उनमें से 8,000 को क्वारंटीन किया गया। इससे यह पता चलता है कितना हानिकारक है ये सिचुएशन। अगर किसी को संक्रमण फैल गया तो उसके पूरे परिवार को फैलना निश्चित है, तो इसका समाधान यही है कि अभी एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, जनवरी या तो फरवरी में 2021 में इस एग्ज़ाम को हेल्ड कराया जाए। पूरे छात्र छात्राएं तैयार हैं प्रिपरेशन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, वो तब भी दे सकते हैं, वो अब भी दे सकते हैं, मगर अभी पैंडेमिक चल रहा है तो अभी ये संभव है ही नहीं। तो ये चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री जी को समझनी होंगी और आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सरलता से कुछ छात्रों के निवेदन वाले वीडियोस और एक दो मीम्स और कुछ बड़े बड़े हस्तियों के ट्वीट्स, जिसमें कि एचआरडी मिनिस्ट्री के भी ट्वीट्स हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के ट्वीट्स हैं, अर्णव गोस्वामी जी के ट्वीट्स हैं, कुछ छात्र छात्राओं के बहुत अच्छे से निवेदन जिन्होंने किया है, जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं उनके ट्वीट्स हैं, गार्जियन की समस्याओं के ट्वीट्स हैं। काफ़ी कुछ हमने इस वीडियो में हद तक कवर करने का कोशिश किया है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की यार। अभी जो आपने वीडियो देखी, इस वीडियो में ये बच्चा और इनकी ग्रुप पूरा अगेंस्ट है जेई एग्जाम्स के। अब आप देख एक वीडियो जिसमें देखिए एक बुजुर्ग पेरेंट्स की जो अपील कर रही है पीएम मोदी से। मोदी जी आप इन बालकन के पेपर मत लो, देखो बहुत कोरोना फैल रहा है यहाँ, हमारे बच्चा परेशान है, हमारे कोरोना हो गए बच्चान को हो गए तो हम क्या ले लेंगे बताओ। ऐसे कोई पेपर हम अपने बच्चान को नहीं भेज रहे पेपर देने, इनके सेंटर इतनी दूर दूर आए, बताओ हम कैसे भेजें अपने बच्चान ने, हमारे पास तो पैसे नहीं है। समझदारी से सही निर्णय लो, बच्चा है हमें भी अपने बच्चा बुरे नहीं लग रहे, हम इतनी दूर पेपर देने नहीं भेजेंगे, सेंटर नजीक हो। दोस्तों अब हम अपनी बनाई हुई मीम आपको शेयर करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार है, जेई मेंस और मिनिस्ट्री एचआरडी पे, देखिए ज़रूर। अकड़ पकड़ खींच के बकड़ साले को, चोर साले पे, साले को, साला। इतना ही नहीं दोस्तों, ग्रैंड मास्टर सिफोजी शौर्य ने भी इसके खिलाफ अपील किया है और रिक्वेस्ट भी की है। अब आगे वीडियो देखिए। और ग्लव्स पहन के क्या एग्जाम देना पॉसिबल है? जी नहीं, तो अगर पॉसिबल है तो बताइए। और रह गई बात देश में एग्जाम ना कंडक्ट एग्जाम कंडक्ट करवाने की, तो क्या आईपीएल कंडक्ट करवा रहे हैं आप? आईपीएल यूएई होस्ट कर रही है क्या, इंडिया में हो रहा है? अगर नहीं तो क्यों करवाया जा रहा है एग्ज़ाम? कोई मतलब ही नहीं है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। आप वेट करिए, जब भी परिस्थितियां सामान्य हों, मैं ये नहीं कहता कि एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए, इसे फर्दर पोस्टपोन करिए, जब भी परिस्थितियां सही हों आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, धन्यवाद। तो दोस्तों ये है अर्णव गोस्वामी जी का ट्वीट और भी बहुत लोगों का ट्वीट है जैसा कि हम आपको दिखाएंगे अभी, आप देखिए इन ट्वीट्स को और इनसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हर कोई चाह रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। ये मोजो स्टोरी का ट्वीट है। अब ये रहा ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ का ट्वीट, और भी काफ़ी हैं
और आगे आखिरी में एक और वीडियो है, उसे ज़रूर से ज़रूर देखें। और फिर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट तो करें ही करें और शेयर तो ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। होना चाहिए क्योंकि केसेस हैं कंट्री में, डेली एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है मोस्टली स्टूडेंट डिप्रेशन फील कर रहे हैं और प्रेशर फील कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, डिप्रेशन और प्रेशर में स्टूडेंट्स की वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्वालिटी वाली जो लास्ट टाइम पर होना चाहिए। वो एफर्ट्स वगैरह स्टूडेंट नहीं लगा पा रहा है, जो लास्ट टाइम पर एक आग होती है, वो होती है कि सिलेक्शन लेना है। तो इसमें पेपर का एग्ज़ाम का कुछ पता ही नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब, कोई कह रहा कि पोस्टपोन्ड होगा, कोई कह रहा नहीं होगा, कोई 13 सितंबर को होगा, तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट प्रेशर फील कर रहा है, तो उस प्रेशर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है जो होना चाहिए लास्ट टाइम पर, जो एक सिलेक्शन के लिए पढ़ाई होना चाहिए, कॉलेज के लिए एक पढ़ाई होना चाहिए, ड्रीम कॉलेज के लिए जो बंदा पढ़ता है तो वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। नीट पोस्टपोन्ड होना चाहिए क्योंकि केसेस हैं कंट्री में, डेली एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है मोस्टली स्टूडेंट डिप्रेशन फील कर रहे हैं और प्रेशर फील कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, डिप्रेशन और प्रेशर